of friends, I am Shomitra Bose, this side from the Times of India, Nagpur. We are having our Afghan friends who are settled in Nagpur for last 5 years and having a wonderful biryani shop here. They have been speaking to their kin and family members back in Afghanistan, and they have a concern about their friends, kin and relatives who are presently in Afghanistan. And this is what they have to say regarding their relatives. Sir, aap bataiye जो मतलब आपको वहाँ के आप जो बातचीत होते हैं आपके देश के बारे में, तो आप बताइए वहाँ पे क्या परिस्थिति है, क्या आपके क्या आपके वहाँ से बातचीत होता है? वाला बातचीत तो इस तरह है कि आपको बेहतर मालूम है, हमको आप लोगों को भी मालूम है, अभी हालात बराबर नहीं है, लोग जो है परेशान है, हालात बराबर नहीं है, लोग सारा जो है अभी भाग रहा है, अपना घर देश का वही घर का सामान बेच करके जो है देश से निकल रहा है, और हालात बराबर नहीं है। अभी ये तकरीबन कितने दिन हो गया, 15 दिन तो हो गया, अभी सब कुछ जो है बंद ही। आपका कहना था कि इसमें स्कूल कॉलेजेस के बारे में आप कुछ बताएं, वो थोड़ा बताइए हमको। वहाँ भी जो स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, और वहाँ भी जो मार्केट वगैरह है, नाके वगैरह है, सब बंद है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते है वहाँ पर, तो लोग सब देश वाला जो आवाम है सब डरा हुआ है, वो इसलिए ये मतलब डरा हुआ है कि मतलब लोग बाहर निकलना चाहते हैं कि ये लोग आगे गवर्नमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकते, लोग को ये डर है, मतलब जो तालिबान है वो गवर्नमेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता, इस लोगों को मतलब डर है कि ये नहीं बना सकता है, क्योंकि ये पहले भी मतलब 95 जो इसका हुकूमत आया था तो ये पहले भी मतलब देश में बहुत खराबी आया था, मतलब कुछ तरक्की नहीं किया, कुछ ये नहीं किया है, तो इस लोगों मतलब लोग सब डरा हुआ है कि ये अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ करने वाला भी नहीं है, और ये दुनिया को मतलब पूरी जो ममलाइक का है ममलकत है वो रस्मियात में मतलब इसको नहीं जानता है, मतलब तो आगे मतलब कैसे करेंगे, मतलब ये लोग गवर्नमेंट नहीं कर सकते। आपको सुनाई दिया वहाँ के कुछ जो लोग हैं कुछ अपना घर के सामान बाहर रख के बेचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, वो जो है तो अभी जिस के साथ हमारा बातचीत हो रहा है सब ये बोल रहा है कि अपना सामान जो है लोग जो है रोड में बेच करके जो है मूल्य देश से भाग रहा है, तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, उसी की वजह से। और बाकी आपके साथ आपके परिवार की बातचीत हो रहा है वहाँ पे? परिवार की बातचीत हो रहा है, वो भी लोग भी डरा हुआ है, मतलब घर में बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं है, मतलब जो जॉब वाला था बिजनेस वाला था सब मतलब डरा हुआ है, मार्केट बंद है, बैंक बंद है, सब घर में बैठा हुआ है कि मतलब आगे क्या होगा, लोगों को ये मतलब डर लगा हुआ है कि मतलब आगे ना देश का तरक्की हो जाएगा, ना स्कूल का मतलब ये हो जाएगा, ना कॉलेज का हो जाएगा, सब लोग डरे हुए हैं। मतलब क्या लगता है कि वहाँ पे लेडीज़ लोगों का भी बहुत डर है, लेडीज़ लोग रास्ते पे नहीं निकल रहे हैं? लेडीज़ लोग जो है अभी एक बात है, जब आपको हमने बताया कि अभी लोग जो है मर्द जो डर जाता है निकल रहा है, तो लेडीज़ तो वो से आजिज़ ही, तो वो जो है वो और भी जो है वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तालिबान की हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि वो पहले भी लेडीज़ के ऊपर पाबंदी लगाया हुआ था, अभी और भी आगे लोगों को डर है कि ये आगे आगे जो इसका हुकूमत कायम हो जाएगा ना, तो आगे आगे देश की इसके पीछे मतलब कोई देश का इसके पीछे पाकिस्तान के हाथ है, पाकिस्तान हमारा सख्तरीज दुश्मन है, सबसे रजील दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि 1988 से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बगावत चालू किए है, हमारे दुनिया से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के ऊपर सब पाबंदी लगाए और पाकिस्तान को ऊपर जो बिजनेस है वो सब रुक जाए, क्योंकि वो हमारे देश को में बगावत कर रहे हैं, त्रागर पाल रहे हैं, और हमारे देश में एक दूसरे नाम से भेज रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, न पढ़ा लिखा आदमी को छोड़ रहे हैं, न पुलिया को छोड़ रहे हैं, न सड़क को छोड़ रहे हैं, सबको उड़ा रहे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? वाला जब हम तो देखता है सही बात है, इसके बाद बराबर है पाकिस्तान जिम्मेदार है, इसकी वजह से जैसे इसने बताया कि उसके ऊपर जो है दुनिया से पाबंदी बहुत ज़रूरी है, किस वजह से कि अभी सारा दुनिया वो देखता है, अच्छा वो लोग जो है आसमान से तो नहीं गिरता है, सारा वो देखता है कि ये हालात अफगानिस्तान में चल रहा है, ये सारा पाकिस्तान की वजह से चल रहा है। सो यू कैन सी आवर अफगान फ्रेंड्स हु आर सेटल्ड इन नागपुर विद द बिरयानी सेंटर एट जाफर नगर, दे हैव ऑल देयर अप्रिहेंशन रिगार्डिंग देयर कंट्रीमैन, देयर कीन रिलेटिव स्टेइंग इन अफगानिस्तान, एंड दे हैव टू से पाकिस्तान इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज़ हैपेंड today, and Taliban may not be able to take forward their country forward with development and other economic activities. Thank you, Soumitra Bose.
from Times of India. I'm thanking my Afghan friends here for sharing their views with us, and thank you so much.